आप लोगों ने सुना कि नहीं, भ्राताश्री लौट कर आ रहे हैं। क्या कर्ण लौट कर आ रहा है? किंतु ये किस प्रकार संभव है? कर्ण तो सदा के लिए हस्तिनापुर का त्याग करके वन में वास करने चला गया था। ये मैं नहीं जानता, वामिल को कुछ बालकों ने आकर समाचार दिया है। चलिए माता, भ्राताश्री का स्वागत करते हैं, चलिए। ये किस प्रकार का अन्याय है ताचरी? अन्याय नहीं, धर्म है ये। धर्म नहीं ताचरी, ये धर्म किस प्रकार हो सकता है? मैं कुरु वंश का ज्येष्ठ पुत्र था, उस सिंहासन पर मेरा अधिकार था ताचरी। मेरे राज्य अभिषेक के समय विदुर ने मेरी क्षमता पर प्रश्न उठाया, तो आपने उसकी बात किस प्रकार मान ली? आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों होने दिया ताचरी? क्यों? एक नेत्रहीन व्यक्ति का राज अभिषेक नहीं किया जा सकता। परिचित तो हो तुम इस बात से, हस्तिनापुर की समस्त प्रजा तुमको राजा के रूप में कभी स्वीकार नहीं करती। किंतु मुझ में क्या कमी थी ताचरी? एक मुष्टि के प्रहार से हाथी तक को गिरा सकता हूं मैं ताचरी। रोम रोम में नेत्र है मेरे, आने वाले व्यक्ति की श्वास की गति से बता सकता हूं कि उसके मन का विचार क्या है। शस्त्र और शास्त्र में पारंगत किया है मैंने स्वयं को। एक नेत्र की कमी पूरी करने के लिए अधिक से अधिक क्षमता और सामर्थ्य प्राप्त किया है मैंने, फिर भी मैं राजा नहीं बन सका। क्या ये अन्याय नहीं था? चंदन का काष्ठ सर्वोत्तम होता है, किंतु यज्ञ में तो संविधा ही डाला जाता है। तुम्हें राजा बनने का अधिकार नहीं था, यही धर्म का विधान और परंपरा की मर्यादा है। मैंने अपने सारे स्वप्न अपने एक पुत्र के जीवन में स्थापित किए हैं ताचरी, अब फिर मेरे साथ अन्याय मत कीजिए, मत कीजिए। किंतु युधिष्ठिर ज्येष्ठ कुरुवंशी है, ये सत्य है, सिंहासन पर तो उसी का अधिकार है। यदि क्षमता और सामर्थ्य ही एक राजा बनने के लिए प्रथम और अंतिम प्रमाण है ताचरी, तो आपको किस प्रकार विश्वास हो गया कि पांडु पुत्र दुर्योधन से अधिक समर्थ है? वनों में पले बड़े हैं ताचरी, न समाज का अनुभव है, न गुणों की परीक्षा हुई है। आपने किस प्रकार से विश्वास कर लिया कि पांडु पुत्र युधिष्ठिर ही युवराज बनने के योग्य है? आप अवश्य ही मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं ताचरी, एक बार और मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं आप। क्षमता और सामर्थ्य का प्रमाण तो दुर्योधन ने भी नहीं दिया धृतराष्ट्र। यदि क्षमता और सामर्थ्य ही राजा बनने के लिए प्रथम और अंतिम प्रमाण है ताचरी, तो प्राप्त कर लीजिए प्रमाण ताचरी, करवा लीजिए दोनों राजकुमारों के बीच प्रतिस्पर्धा, फिर निर्णय होगा कि कौन होगा हस्तिनापुर का युवराज। उचित कहा तुमने पुत्र, किंतु दोनों राजकुमार अबुद्ध हैं, ना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और ना ही गुरुकुल गए हैं। अज्ञानता की प्रतिस्पर्धा का क्या लाभ? जिस दिन दोनों राजकुमारों ने सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस दिन होगी प्रतिस्पर्धा और उनकी क्षमता के आधार पर हस्तिनापुर अपना नया राजा नियुक्त करेगा। पुत्र, अब चलकर पांडु पुत्रों का हृदय से स्वागत करो।
तुम्हारे प्रिय अनुज के पुत्र हैं वो। ध्यान से देखो दुर्योधन, यही है वो भाई जिनके कारण तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक नहीं हो पाया, यही है महारानी कुंती की, महारानी कुंती की। असंभव, जलती हुई लकड़ी पर बेल नहीं चढ़ती। कर्ण का हृदय क्षत्रियों के व्यवहार से जल रहा है, वो हृदय समर्पण कैसे कर सकता है? नहीं, कर्ण किसी क्षत्रिय का सारथी नहीं बन सकता। महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की। पुत्र, शत्रु से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। शत्रु की शक्ति का निरीक्षण करो, तुम्हारा शत्रु तुम्हें स्वयं ही पराजय का मार्ग दिखाएगा। और ये भाई तुम्हारे शत्रु है, ये सदैव तुम्हारे साथ अन्याय ही करेंगे। पुत्र, महारानी कुंती की, 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 महारानी कुंती की। तुम्हारे तप में वृद्धि हो, तपस्वियों को दिया जाने वाला अभिवंदन क्यों ताऊश्री? सन्यासिनी बने रहने की अनुमति नहीं दी आपने। जब कर्तव्य ही जीवन का एकमात्र कारण हो तो समग्र जीवन तपस्या बन जाता है। वास्तव में तुम्हारी तपस्या तो अब आरंभ हुई है वत्स। क्षमा याचना ताऊश, आपके पुत्र को जीवित नहीं रख पाई।
भाग्य का दोष अपने माथे पर मत लो कुंती। प्रणयी बात महाराज। कल्याण हो। हस्तिनापुर में तुम्हारा स्वागत है। संसार के सुख तो तुम्हें यहां प्राप्त नहीं हो पाएंगे कुंती, किंतु तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को सुख और सुविधा अवश्य प्राप्त होगी यहां। मत बहाओ कुंती, पत्थर टूटने से जिस प्रकार रत्न प्राप्त होता है, वैसे ही घोर दुख में मुझे सुख प्राप्त हुआ है। मेरे 5 पुत्र आए हैं आज मुझसे मिलने। कहाँ है मेरे पांडव? पुत्र, अपने ताऊश्री पितामह और ज्येष्ठ माता को प्रणाम करो। कल्याण हो पुत्रों। आओ पुत्रों। सर्वप्रथम तुम्हें अपने पिता की अस्थि विसर्जन हेतु जाना है। रथ को रथशाला पहुंचा कर जाना। कर्ण, आज तुमने पांडु पुत्रों की रक्षा करके राज परिवार पर एक और उपकार किया। जी महामहिम, बार बार दोहराने से बात स्मरण में रह जाती है। ऐसा कहते हैं ज्ञानी जन, सारा समाज परस्पर उपकार कर ही बनता है। प्रत्येक मनुष्य अपना नियत कार्य करता रहे, वही उपकार है। जैसे भवन के सारे पत्थर अपने स्थान पर दृढ़ रहकर भवन को एक आकार देते हैं, और फिर भी भवन की शोभा तो उसके कलश से ही जानी जाती है। किसी दिन भूमि में छिपा पत्थर कलश बन पाएगा तो आपके इस सिद्धांत को भी मान लूंगा मैं।
प्राणीपात। माता का आदेश है कि आज के पश्चात सदैव आपकी इच्छा ही हमारा आदेश होगा। आज के पश्चात तुम्हारा सुख ही हमारी इच्छा होगी। सुन लिया पुत्र, अब इन पांडु पुत्रों की हर इच्छा हस्तिनापुर पूर्ण करेगा। केवल एक ही इच्छा हो सकती है इन वनवासियों की, हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करना। यहां घर बनाएंगे तो अधिकार प्राप्त करेंगे ना। दुशासन, तुम्हारे भाई वन से आए हैं, उनका ऐसा स्वागत करो कि हस्तिनापुर उन्हें अपना घर नहीं कारागार प्रतीत हो। समझ गए दुशासन। यदि मारने की इच्छा है तो यह मार्ग उचित नहीं है। हां, यदि मरने की इच्छा है तो इससे उचित मार्ग है ही नहीं। किसी क्षत्रिय ने देख लिया तो अवश्य मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। मरते तो सब हैं कर्ण, किंतु जिसने पराजय स्वीकार कर ली हो
उसके लिए जीवन ही मृत्यु बन जाती है। तुम्हारे हाथों ने जब रथ की धुरा उठा ली तो तुम्हारे स्थान पर किसी को तो धनुष उठाकर संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे आनंद है वृषाली कि मेरी पराजय तुम्हारे लिए प्रेरणा बन गई। क्या वास्तव में तुम्हें जीवन ने परास्त कर दिया? मुझे मेरे जीवन ने परास्त नहीं किया वृषाली, महामहिम के दुर्भाग्य ने मुझे विजय कर दिया है। अर्थात परंपराओं का वहन करते हैं महामहिम देश। हमारे समाज पर होने वाले अत्याचारों का प्रतीक है महामहिम देश। बिजली जब गिरती है तो सबसे ऊंचे पेड़ पर ही गिरती है। अब महामहिम भीष्म पर मेरा निश्चय बिजली बनकर गिरेगा। जिस दिन महामहिम मेरे रथ से गिरेंगे उस दिन अत्याचारों का वो प्रतीक गिरेगा। क्षत्रियों का सबसे समर्थ व्यक्ति अपने स्थान से गिरेगा और उस दिन ये सिद्ध हो जाएगा कि सूतों का सामर्थ्य क्षत्रियों से कम नहीं। ये हैं तुम्हारे पूर्वज। इनका सत्य, इनका सामर्थ्य, इनका धर्म तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। स्मरण रहे, इतिहास सर्वोत्तम स्रोत है ज्ञान का। इतना विशाल भवन है, भवन इतने विशाल क्यों है पितामह? ताकि तुम्हारे लिए इसमें स्थान रहे। किंतु माता कहती है यदि हृदय विशाल हो तो विशाल भवन अनिवार्य नहीं। यथार्थ कह रहे हो अर्जुन, प्रेम से किसी का भी हृदय विशाल बनाया जा सकता है और यही तुम पांचों का कार्य है। हम स्थान तो अवश्य प्राप्त कर लेंगे पितामह, क्योंकि अब हम केवल पांच नहीं 105 हैं। किंतु ज्येष्ठ, मुझे तो अन्य 100 दिखाई नहीं दे रहे हैं। अन्य 100 भाई तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीम, मैं दुशासन हूं। पितामह, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपने भाइयों को उनका उचित स्थान दिखा दें। जाओ पुत्रों, हस्तिनापुर में अपना स्थान निर्मित करो। पधारिए।
भ्राता दुर्योधन आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिर आपके सम्मान और स्वागत के लिए तो उन्होंने विशेष प्रबंध जो किया है। आइए आइए पधारिए। खूब विशेष प्रबंध है। हमारे प्रिय चाचा श्री के मृत्यु के समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। आप सब भी उनके आश्रय में रहते थे। अवश्य आप सबको भी दुख हुआ होगा। वो हमारे पिता थे दुर्योधन। अवश्य अवश्य कुंती पुत्र, हम सब भाइयों ने आपके पिता की प्रतिमा निर्मित करवाई है। आइए अपने पिता को प्रणाम कीजिए। ये क्या चेष्टा है दुर्योधन? चेष्टा? जेष कुंती पुत्र, ये आपके पिता की प्रतिमा। पांच प्रतिमा बनाने का आरंभ तो किया था हमने, किंतु फिर विचार आया, यदि एक ही प्रतिमा का मुख नहीं होगा तो आप सब अपने अपने पिता के मुख की कल्पना तो कर ही लेंगे ना। है ना, हो गई स्मरण? वास्तव में आप सबके पिता कौन है ये तो कोई नहीं जानता ना कुंती पुत्र। तथा माद्री पुत्र। हमारे पिता का परिचय प्राप्त करने की इच्छा है दुर्योधन। हाँ
ठहरोगी। पिता का परिचय पुत्र का व्यवहार ही होता है। भ्राता उचित कह, हमारे व्यवहार से ही आपको हमारे पिता का परिचय प्राप्त होगा। भ्राता दुर्योधन, तुम अवश्य अर्जुन होंगे, मेरे साथ रिश्तता मत करो। मेरे पिता कुरुवंश के सम्राट धृतराष्ट्र है। तुम लोगों के जन्म के विषय पर केवल कथाएं सुनी है, इसलिए हस्तिनापुर के सिंहासन की ओर अपनी दृष्टि मत करना। उस पर तुम्हारा अधिकार कभी नहीं होगा। हम आक्रमण करने आई हुई कोई सेना नहीं, तुम्हारे भाई हैं दुर्योधन। और राज्य और सत्ता कोई धरोहर नहीं, एक उत्तरदायित्व है। सिंहासन स्वयं के सुख का कारण नहीं, प्रजा के सुख का आधार होता है। और हम में से जो ये बात जान पाएगा उसी को युवराज बनाया जाएगा। फिर प्रतिस्पर्धा किस बात की? संतान अपने पिता का मुख देखकर जन्म नहीं लेता, जन्म लेकर मुख देखता है। और इसीलिए जो अपना नाम और प्रेम बालक को दे उसे ही पिता माना जाता है। हमारे वंश के विषय में अब कोई संदेह नहीं। यदि इस बात को स्वीकार करोगे तो हम पांच भाइयों के सामर्थ्य से तुम अधिक शक्तिमान बनोगे दुर्योधन। अन्यथा हमारा परिवार और वंश निर्बल हो जाएगा। भीष्म पितामह को वसंत पंचमी के दिन रथ से गिराना नींव होगी
पूरे क्षत्रिय समाज के गिरने की, किंतु तुम भीष्म पितामह को रथ से गिराओगे कैसे? ठहरो, सूत पुत्र कर्ण। सुनी है कि तुमने क्षत्रियों के दिग्गज महारथी को रथ से गिराने का प्रण लिया है? मैंने तो सारे क्षत्रियों को उनके स्थान से गिराने का प्रण लिया है। प्रण करने से पूर्व कोई योजना बनाई है? योजना तो कायर बनाते हैं और शूरवीर मार्ग बनाते हैं। ऐसा ही कहा था ना आपने दाऊ? मैं अग्नि जलती है तो वहां से निकलने वाला धुआं मस्तिष्क में भर जाता है। मूर्ख, इसी कारण तो मुझे अपनी तपस्या भंग करके यहां आना पड़ा। तुम्हारी तुम्हारी रक्षा हेतु। एक ही व्यक्ति है जिनकी रक्षा प्राप्त करना मेरे लिए गर्व की बात है, और वो केवल आप हैं ताऊ। एक और दिव्य रथ ताऊ। तुम्हें अब किसी भी विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कुंती। मैं और मेरे पुत्र हर प्रयत्न करेंगे कि तुम सब यहाँ सुख से रह सको। प्रणाम ज्येष्ठ माता। सब सुख से तो है ना पुत्र युधिष्ठिर? मेरे पुत्रों से भेंट हुई तुम्हारी? वो
आपके पुत्रों की हमसे भेंट हो गई है और हमें उनका संपूर्ण परिचय भी प्राप्त हो चुका है। ज्येष्ठ माता, मुझे विश्वास है कि तुम 105 भाई हस्तिनापुर की शक्ति बनोगे। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो सीधा मेरे पास आना। किस विषय की चिंता है पुत्रों? तुम्हारे मुख पर धैर्य दिख क्यों नहीं रहा? वो हमें परम कुटीर में रहने का अभ्यास हो गया है ना माता, इतने बड़े राजमहल में मार भूल जाते हैं। राजभवन में मार्ग भूल रहे हो तो मिल भी जाएगा, स्मरण रहे। चुनौतियों में, विपत्तियों में, संघर्षों में जीवन का मार्ग कभी मत भूलना। अब इस संघर्ष का यही अंत है। तुमसे अंतर करके मैंने जान लिया है कि तुम्हारे और शोन के बिना मेरा जीवन सूना है। अब तुम इस घर का त्याग नहीं कर सकते, समझे? जिसने परिवर्तन लाने का प्रण ले लिया हो स्वयं उसके चरण कभी नहीं रुक सकते। राधा, पवन को किस प्रकार मांगोगी? वो सब मैं नहीं जानती जीव जी, किंतु कर तुम अब से ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसके कारण तुम्हारे पिता तुम्हें निष्कासित करें। नहीं करूंगा माता, जब तक आपका या पिताश्री का आदेश ना हो तब तक मैं घर का त्याग नहीं करूंगा। किंतु मुझे भय है कि एक समय अवश्य ऐसा आएगा जब आप स्वयं मुझे घर का त्याग करने का आदेश देंगे। तुम अब से ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसके कारण तुम्हारे पिता तुम्हें निष्कासित करें। नहीं करूंगा माता, जब तक आपका या पिताश्री का आदेश ना हो तब तक मैं घर का त्याग नहीं करूंगा। किंतु मुझे भय है कि एक समय अवश्य ऐसा आएगा जब आप स्वयं मुझे घर का त्याग करने का आदेश देंगे। नहीं कर, अब हमें ऐसा कोई आदेश तुम्हें नहीं देना होगा, क्योंकि आदेश देने के लिए हम जीवित ही नहीं होंगे।
जलती हुई बाती को देखा, सबसे पहले उस बाती को जीवन देने वाला ही जलता है। पर तुम्हारा ये संघर्ष तुम्हारे परिवार का बलिदान लेगा। कर्ण, महारानी कुंती ने तुमको बुलाया है। किंतु क्यों? राधा, महारानी के आदेश को किंतु परंतु नहीं पूछा जाता। जाओ पुत्र। वसंत पंचमी के उत्सव के दिन यदि कर्ण यहां रहा तो हमें पछताने का अवसर आएगा। प्रादर्शी, महारानी कुंती का आदेश ना होता तो कर्ण को पुनः निष्कासित कर देता। कर्ण को एक बहुत बड़ी विपत्ति से सुरक्षित करने का यही एक मार्ग है। नहीं आर्य, सुरक्षा घर में होती है, वन में नहीं। मैंने निर्णय किया है, वसंत पंचमी से पूर्व मैं कर्ण का विवाह करवा दूंगी। अपनी पत्नी को निराधार छोड़कर घर का त्याग करने का किसी को अधिकार नहीं है। यह केवल परंपरा ही नहीं, ईश्वर का विधान है। कर्ण को ईश्वर के विधान को मानना पड़ेगा। वन के सम्राट, आपने मेरा लक्ष्य हिला दिया, अन्यथा मैं अवश्य लक्ष्य भेद कर लेता। हाँ अवश्य, आप तो राजकुमार हैं। युद्ध में शत्रु को आदेश देंगे कि वो हिले नहीं तो वो बिना हिले बिंद जाने की प्रतीक्षा करेगा। आपको युद्ध का अनुभव है? जीवन का अनुभव है राजकुमार अर्जुन। और मेरा जीवन भी युद्ध से कम नहीं। तात्पर्य? आपके प्रश्नों का प्रहार हो रहा है, अब मुझे आज्ञा दीजिए,
आपकी माता से मिलने का आदेश है। यदि अपने तीर को अधिक दूर पहुंचाना है तो अपने धनुष की प्रत्यंचा थोड़ी और दृढ़ कीजिए, अन्यथा तीर आधे मार्ग में ही गति छोड़ देगा। हमें एक प्रहर में लौटना है, चलिए इस दिशा में रसोई नहीं है, इस दिशा में चलिए। किंतु इस दिशा में आम है नकुल, मुझे आम की सुगंध आ रही है। आपकी भूख तो माया है भ्राताश्री, क्या क्या सुगंध आ जाती है आपको? थोड़ी और भूख बढ़ेगी तो आपको मनुष्य के मुख में आम का आकार दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे मुख में मुझे कद्दू दिखाई दे रहा है नकुल, कारण जानते हो? अवश्य, क्योंकि आपको कद्दू का स्वाद प्रिय नहीं। हाँ, इसलिए। और यदि मेरी चेष्टा कर रहे हो तो वास्तव में तुम्हारा मुख कद्दू जैसा हो जाएगा। अब चलो आम ढूंढते। कद्दूमुख, कितने सारे आम है। अन्न के विषय में मुझे कभी भी मिथ्या आभास नहीं होता। कितने आम खाओगे जश भ्राता? जितने पेड़ से गिरेंगे वो सब खा जाऊंगा। वो गुटली भी इसी आम के पेड़ से गिरी है भ्राता भी। आओ खाओ। ये दुशासन, अब पेड़ पर बैठो तो कुछ आम तोड़ कर दो ना। आपको प्रतीत हो रहा है कि यह सारे आम के वृक्ष आपके हैं? इनके पिता राजा थे ना, तब उनका अधिकार था सारे हस्तिनापुर पर। राजा थे किंतु अब इनके पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं और अभी केवल स्वर्ग के आम के वृक्ष पर इनका अधिकार है, हस्तिनापुर के नहीं। ये सारे वृक्ष हमारे हैं भ्राता भीम, क्योंकि हमारे पिता राजा है। चलिए भ्राता जी, कुछ और खा लेना। अरे भ्राता भीम, यदि आप भीख मांगोगे ना तभी आपका आम प्राप्त होगा। सन्यासी के पुत्रों को भिक्षा मांगने में क्या लाज? आपके पिता ने भी भिक्षा मांगी होगी। अवश्य, के पिता ने तो भीख में राज्य मांग लिया था। मांगे मांगे, भीख मांगे, भीख मांगे, आम पाइए, आम पाइए, आम पाइए।
पुत्र। पुत्र नहीं, सूत पुत्र कर्ण। प्रणिपात महारानी, आपने बुलवाया था, आदेश दीजिए। आदेश नहीं, विनती है। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है कर्ण। सूत पुत्र वन में सहायता करते हैं महारानी, राजभवन में केवल सेवा करते हैं, और महारानी केवल आदेश देती है। मेरे पुत्र को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। महारानी, आपके पांचों पुत्र सक्षम है और अपनी रक्षा करने में समर्थ भी है, फिर भी उनको मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं उनके सामर्थ्य को भली भांति जानती हूं कर्ण, और वो हस्तिनापुर से अनजान है। महाराज के पुत्रों का व्यवहार इस समय अनुचित है, इस कारण मैं अपने पुत्रों को लेकर चिंतित हूं। तुम्हारी उनके साथ मित्रता हो गई है, संघर्ष के समय होने वाली मित्रता और शत्रुता सदैव दृढ़ होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पुत्रों का हस्तिनापुर में मार्गदर्शन करवा पाओगे। मुझ पर आपको अधिक विश्वास है महारानी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रक्त के संबंध से भी अधिक गहन संबंध है तुम्हारे साथ। तुम्हारे मुख का तेज मुझे विश्वास करने की प्रेरणा दे रहा है। मांगे मांगे, भीख मांगे, भीख मांगे। चलिए भ्राताश्री, माता ने कहा था। मुझे स्मरण है नकुल, किंतु दुशासन उचित कह रहा है। भिक्षा मांगने में लज्जा का क्या कारण? पिताश्री कहते थे प्रकृति ईश्वर का ही अंग है, इसीलिए वृक्ष, बेल, आकाश, धरती, इन सब से हम भिक्षा मांग सकते हैं। हे आम्र वृक्ष, कृपा करके मुझे आम दीजिए। मैं वचन देता हूँ, आपके वृक्ष से जो कुछ भी गिरेगा उसे मैं आपका प्रसाद समझकर खा जाऊंगा।
मेरा वचन था कि वृक्ष से जो भी गिरेगा से मैं खा जाऊंगा। आप सब भी अब रुकोदर भीम का भोजन है। सामर्थ्य भी है और ये सूद भी नहीं है। अब इनका क्या करेंगे राजकुमार दुर्योधन? रणिपा तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कर्ण। राजकुमारों के साथ राजकुमारों वाला न्याय होता है और वो करना मैं जानता हूं। अवश्य मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य जानते होंगे किंतु इनकी माता का आदेश है कि मैं इनके साथ रहूं। राजकुमारों के न्याय में कहीं एक सूत आड़े ना आ जाए। पिताश्री, वो पांडव पुत्र हस्तिनापुर में नहीं रह सकते, उन्हें इसी समय निष्कासित करना होगा। दुर्योधन, वो तुम्हारे भाई हैं और दाक्षिणी का आदेश है कि तुम पांडव पुत्रों को प्रेम दो। किंतु महाराज, प्रेम आदेश से नहीं होता, परिचय से ही तो प्रेम बढ़ता है महाराज। और मेरे भांजों को पांडवों के साथ कोई परिचय ही तो नहीं, तो फिर प्रेम कैसे कर पाएंगे? इसीलिए महाराज मेरा सुझाव है कि उन्हें प्रमाण कोटि के उद्यान में कुछ समय के लिए जल क्रीड़ा के लिए साथ भेजना ही उचित होगा महाराज। ना, साथ रहेंगे तो हृदय के अंतर भी तो कम हो ही जाएंगे महाराज। उचित कह रहे हो शकुनी। कल प्रातः सभी राजकुमार प्रमाण कोटी जाएंगे। सम्राट, उद्यान जाओगे? कर्ण महोदय, अब मेरे धनुष में किस बात की कमी है? अभी धनुष आपके हाथ में है राजकुमार अर्जुन।
जिस क्षण वो आत्मा में बस जाएगा सारी कमियां समाप्त हो जाएंगी। आप भी धनुर्धारी हैं? नहीं। तो फिर आप धनुष के विषय में इतना किस प्रकार जानते हैं? पत्तों पर ओस की बूंदें स्वयं ही आकर बैठती हैं। पत्तों को स्नान करने नहीं जाना पड़ता। ज्ञान का भी ऐसा ही, प्राप्त करने पर तो कोई बंधन नहीं डाल सकता, केवल ज्ञान के प्रदर्शन पर बंधन होता है। तात्पर्य? वन से आ गए हैं राजकुमार, तो वन का त्याग भी कर दीजिए, नगर को जानिए। मेरे कहने का तात्पर्य स्वयं ही जान जाएंगे। आपकी माता ने आपको मार्गदर्शन देने का आदेश दिया है। कल प्रातःकाल उपस्थित हो जाऊंगा।